Hey everyone, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज का वीडियो होने वाला है बेसिकली कुर्ती स्टाइलिंग पे, जिसमें कि आप किस तरीके से अपनी समर की कुर्तीज़ को विंटर्स में स्टाइल कर सकते हो। बहुत सारी अलग अलग तरीके की कुर्तियाँ मैंने इसमें पिक करी हैं, अनारकली, स्ट्रेट कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, सभी तरीके की कुर्तीज़ को इंक्लूड किया है। साथ में उनको जीन्स के साथ ट्राई करने का ट्राई किया है कि किस तरीके का लुक आउटफुट आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लुक में मैंने ये शॉर्ट कुर्ती ली है, जो कि एक पिंक कलर की कुर्ती है और लहरिया टाइप का इसमें प्रिंट है और वाइट कलर की स्ट्रिप्स है जो इसमें है। सबसे पहले मैंने इसे एक ब्लैक जीन्स के साथ ट्राई किया, जो बिल्कुल भी फ्लेयर्ड जीन्स के साथ अच्छी नहीं लग रही थी। ब्लैक यदि स्लिम फिट जीन्स होता तो ज़रूर अच्छी लगती, बट ये वाइट के साथ, जब मैंने इसकी स्ट्रिप्स वाइट थी तो मैंने इसे वाइट जीन्स के साथ ट्राई किया और वाइट जैकेट पहनने के बाद तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये कॉलेज गोइंग नहीं, ये एक पार्टी वियर लुक हो गया हो। आप हैंडबैग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसा कॉलेज गोइंग टाइप का कोई हैंडबैग नहीं था जो कि बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगे इस ड्रेस पे, तो मैंने एक मैचिंग का हैंडबैग ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग अपना बैग वगैरह चूज़ कर सकते हो। एंड हाँ, दिस कुर्ती इज़ लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल विद दिस वाइट जैकेट। देन आफ्टर मैंने एक और लुक इसके साथ क्रिएट किया, मैंने ये डेनिम जैकेट पहना ब्लू कलर का और सेम उसी कलर का जीन्स भी पहना और स्ट्रेट फिट जीन्स। मैंने जो फुटवेयर्स है उसको न्यूट्रल कलर में रखा है। ये जो जैकेट है और ये जो पूरे आउटफिट्स हैं जो मैंने पिक किए हैं, वो मैंने पिक किए हैं मेरा लिंक से, और इस आउटफिट की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप इन्हें बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। एंड इन सभी आउटफिट्स के जो प्राइस है वो आपको साइड में फ्लैश होते हुए दिख रहे होंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस क्या क्या इनका प्राइस है, और यदि आप इन्हें लेना चाहते हो तो आप इन्हें बाय भी कर सकते हो। देन आफ्टर मैंने पिक करी है ये ब्लैक कलर की कुर्ती, विच इज़ सो क्यूट। इसकी फिट इतनी अच्छी है, इसका स्टाइल इतना अच्छा है कि जीन्स के साथ बहुत अच्छी लग रही है। मैंने इसको एक लूज़ फिट जीन्स के साथ पहना है, बट आप देख सकते हो कि लूज़ फिट के साथ साथ ये स्ट्रेट फिट जीन्स के साथ भी बहुत अच्छी लगने वाली है, स्लिम फिट जीन्स के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, तो आप उसके साथ भी इसे ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे एक वाइट जीन्स वाइट जैकेट के साथ ट्राई करा एंड वाइट जैकेट के साथ ये काफ़ी अच्छी लग रही है। यू कैन सी ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ऑलवेज गुड एंड कॉलेज गोइंग लोगों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इस आउटफिट की सारी डिटेल्स आपको साइड में मिल जाएंगी, और इनको आप बाय करना चाहते हो तो इनका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थर्ड लुक के लिए मैंने पिक करी है गाइज ये स्ट्रेट कुर्ती, जो कि ग्रीन कलर की है और इसमें फॉयल प्रिंट है गोल्डन कलर का, विच इज़ सो क्यूट। एंड इसके साथ मैंने अपनी फुटवेयर चेंज कर ली, एक चप्पल पे मैं आ गई। आप चाहो तो आप जुतीज़ पे भी आ सकते हो, जुतीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। एंड इसके साथ जीन्स जो है मैंने ये ब्लू कलर का रखा है, स्काई ब्लू में, और ये इसके साथ काफ़ी सूट कर रहा है। इसका नेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इस कुर्ती के जो स्लीव पे जो डिज़ाइन है वो बहुत क्यूट है। इसके साथ मैंने ये एक क्रॉप श्रग टाइप का है स्वेटर, आप समझ लो श्रग समझ लो, इस टाइप का है, कार्डिगन है, क्रॉप कार्डिगन, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर का एकदम पार्टी वियर टाइप का कार्डिगन है, ये भी मेरा लिंक से ही है और बहुत क्यूट है और हल्का हल्का वॉर्म भी करता है, तो आपको बिल्कुल से ठंडी नहीं लगने वाली। यदि हल्की हल्की ठंडी है तो आप इसको एज अ स्टाइल ज़रूर कैरी कर सकते हो। और हाँ, इन सभी कुर्तीज़ के अंदर आप थर्मल कैरी कर सकते हो, क्योंकि सभी फुल स्लीव की हैं, तो इसके अंदर आप थर्मल पहनोगे तो बिल्कुल भी आपको ठंडी नहीं लगेगी एंड ऊपर से आप एक लेयरिंग कर सकते हो। ये क्रॉप श्रग जो है इसको आप ओपन करके भी पहन सकते हो एंड क्लोज करके भी पहन सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही बटन है ऊपर अपसाइड में, जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा है और कॉलेज गोइंग एंड ऑफिस गोइंग लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मैंने पिक करा है गाइस यही इसी कुर्ती के ऊपर ये डेनिम जैकेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये एक ऐसा लुक है जो बिल्कुल भी मतलब कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां होती हैं उनको एकदम फैशनेबल दिखने का मन करता है, तो वो इस तरीके की लुक्स ट्राई कर सकती हैं। डेनिम जैकेट पहन लिया किसी भी कुर्ती पे एंड उसके साथ नीचे जीन्स पहन लिया नीचे, और हमारे डेनिम जैकेट का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है और इसके साथ ये कुर्ती तो ऑलवेज। नेक्स्ट मैंने पिक किया है गाइज ये मैरून कलर की कुर्ती, जिसमें आगे बहुत ही अच्छा सा बेल टाइप की स्लीव बनी है। कुर्ती मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक पार्टी वियर कुर्ती भी है और ऑफिस वगैरह में भी कॉलेज में भी आप पहन सकते हो। इसको मैंने स्टाइल किया है इस स्लिम फिट जीन्स के साथ, और इसके साथ जुतीज़ भी मैंने बहुत न्यूट्रल रखी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इस जैकेट की कहानी बताती हूँ। ये जैकेट बहुत क्यूट है, इसका जो मतलब इसका जो डिज़ाइन है इसको आप एज अ टॉप भी पहन सकते हो जीन्स के ऊपर एंड कुर्ती के ऊपर, एज अ जैकेट टाइप में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट टाइप का लुक है इसका,
आगे बटन्स हैं, इसको आप क्लोज भी कर सकते हो और इसे ओपन भी रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात, ये वॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है। इसको पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, तो ये आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हो अपने किसी भी आउटफिट के ऊपर। फिलहाल ये इस कुर्ती के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, और ये ग्रे एकदम न्यूट्रल कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस कुर्ती के साथ। इस कुर्ती के साथ साथ आप इसे किसी अनदर शॉर्ट कुर्ती इसके साथ भी कैरी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली जीन्स के ऊपर, हाई वेस्ट जीन्स के साथ भी आप इसे कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैंने पिक करी है गाइज ये ग्रीन कलर की बहुत ही खूबसूरत सी बटन वाली कुर्ती है। इसमें आगे जितने भी बटन है सारे ओपनेबल हैं, आप इसे जैकेट स्टाइल में पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। एंड इसका जो नेक है, ये मैं अभी आप आगे देखोगे कि इसको मैंने जब पहना है तो इसको मैंने अंदर क्लोज कर दिया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे क्या है, मेरे नेक पे वी कट की डिज़ाइन आई है। एंड ये जो बटन्स मैंने दिखाए ये ओपनेबल बटन्स हैं। सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ इसके साथ डेनिम जैकेट, और डेनिम जैकेट रियली बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ मैंने जीन्स भी पहना हुआ है नीचे ब्लू कलर का, और आप देख सकते हो काफ़ी क्यूट लग रहा है, काफ़ी प्रिटी लग रहा है ये लुक। आप भी इसी तरीके से पहन सकते हो, और अब आप देख सकते हो कि ये मैंने इस तरीके से अंदर दबा दिया है, तो मेरे नेक पे वी तरीके का डिज़ाइन आ रहा है, वी कट टाइप का शेप आ रहा है। इस तरीके से आप अपनी अनदर कुर्तीज में भी कर सकते हो। एंड इस तरीके का डेनिम जैकेट ऑलवेज प्रिटी लगता है, आप किसी के साथ भी पहन सकते हो, जीन्स टॉप कुर्तीज़ किसी के साथ भी इन्हें स्टाइल कर सकते हो। और नेक्स्ट आप देख रहे हो मैंने इसे व्हाइट के साथ भी स्टाइल किया है, तो व्हाइट जैकेट के ऊपर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये कुर्ती सच में मुझे बहुत प्यारी लग रही है, इसको समर्स में कैरी करना इतना अच्छा लगेगा, एकदम मेहंदी टाइप का कलर है इसका। और मैं कहूँगी कि आपके लिए ये जो आउटफिट है ना, ये आउटफिट मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि ये कुर्ती सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैंने पिक करी है गाइस ये डार्क पिंक कलर की कुर्ती। ये सिल्क का फैब्रिक है इसका, रॉ सिल्क टाइप का जो फैब्रिक होता है वैसा सा सिल्क का फैब्रिक है इसका। और इसका नेक का डिज़ाइन, कलर सब कुछ इतना प्रिटी है ना, एकदम पार्टी वियर टाइप का लुक है इसका। इस पर यदि आपको ज्वेलरीज कैरी कर लो तो आप किसी वेडिंग पार्टी में भी पहन सकते हो, और यदि आप इसे कैजुअल पहनते हो तो अपने ऑफिस वगैरह कॉलेज वगैरह में भी पहन सकते हो। इसके साथ सबसे पहले मैंने ये क्रॉप श्रग जो है ये पहना हुआ है, जो मैंने अभी पिछले स्टाइल में आपको दिखाया, इसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने नीचे जो है ब्लैक कलर का जीन्स नहीं था मेरे पास, तो मैंने ब्लैक कलर की एक पैंट थी वो मैंने कैरी करी। आप ब्लैक कलर का जीन्स ज़रूर कैरी कर सकते हो, जीन्स में ठंड नहीं लगती। लेगी वगैरह पे हमें थर्मल्स पहनने पड़ेंगे, बट जीन्स में थर्मल पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हो इसके साथ ये बहुत प्रिटी लग रहा है, और ऑफिस के लिए बहुत ही अच्छा है, एंड कॉलेज के लिए भी बहुत प्यारा है। तो इस तरीके से आप भी कैरी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है गाइस मेरी ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी अनारकली कुर्ती। ये नेक्स्ट कैटेगरी जो है अनारकली कुर्ती की, इसमें ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इसमें जो कुर्ती है बहुत ही क्यूट सी है। इसमें गोटा पट्टी का वर्क है फ्रंट में और स्लीव में, दोनों में गोटा पट्टी का वर्क है। फैब्रिक इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पहनने में बहुत अच्छा है। मैंने इसमें वाइट कलर का जीन्स स्टाइल किया है, और वाइट कलर के साथ साथ मैंने जीन्स के साथ इसे वाइट जैकेट भी पहना है, और दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये रहा गाइज आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा मेरी स्टाइलिंग वीडियो। और यदि आप कुछ पर्टिकुलर कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अदरवाइज आप मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड इन सभी आउटफिट्स के जो डिटेल्स है उनका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि इनमें से कोई भी आउटफिट्स आपको पसंद आता है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बाय कर सकते हो, और कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मिलती हूँ गाइस किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए लेती हूँ विदा, बाय।